आज मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुछ परिवारों को उस आवास के निमित्त उनकी पसंदगी के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया गया। 2022 में भारत आजादी के 75 साल मनाएगा। आजादी के दीवानों ने सपने देखे थे तब वो फांसी के तख्त पर चढ़े थे, जवानी जलों में खपा दी थी, एक सुखी समृद्ध हिंदुस्तान देखना चाहते थे, आजाद हिंदुस्तान देखना चाहते थे। उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे, क्या 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी नहीं है कि देश के दीवानों के सपनों को पूरा करने के लिए हम हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं? क्या 125 करोड़ देशवासी मिलकर के इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं? मेरा आत्मविश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों में वो सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमने एक संप्रदाय संजोया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल हो, हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास उसका अपना रहने के लिए घर हो। उसको अपनी छत हो, और घर भी वो हो जिसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाएं, ग्रामीण आवास का, शहरी आवास का, और उसी के तहत कुछ माताओं को आज आवास मिले, उनको घर मिले, उसके लिए एक सम्मति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया है। और एक मां कह रही थी, अब अच्छा हुआ, बोले मेरा मकान बन जाएगा, बच्चों की शादी कराऊंगी और आपको शादी में बुलाऊंगी। उनका इतना उत्साह था। सपने जब सच होने लगते हैं तब इंसान किसी भी अवस्था में क्यों ना हो कुछ कर गुजरने का मजा पैदा होता है। वो मैंने उस मां की बातों से देखा। शब्द उनके थे लेकिन वो भाव बड़ी प्रेरणा देती थी।